नमस्कार दोस्तों, मैं आपका गाइड उजांग। इस बीच कई सवाल आपने ऐसे पूछे कि आपने वीडियो देखे, आपने जो है वो तमाम बुक्स अच्छी मोटिवेशन पढ़ी और उसके बाद भी आप जो है कुछ समय बाद अपने आप को उसी होपलेस कंडीशन में पा रहे हैं, वो चेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे लगा आज बात करना बहुत ज़रूरी है आपसे कि ये चेंजेस आप क्यों नहीं कर पा रहे हो, आप अपनी लाइफ में जो है वो रुके हुए क्यों हो। आप जानते हो कि आपकी मेहनत से आप सपने प्राप्त कर सकते हो, लेकिन वो लाइन क्यों नहीं जो है आप क्रॉस कर पा रहे हो। तो चलिए आज मैं आपसे एक बहुत बारीक, एक बहुत छोटी सी बात करने जा रहा हूँ जो शायद आपकी लाइफ में जो है वो सबसे बड़ा इफेक्ट करेगी, और इसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड इफेक्ट। राइट, कंपाउंड इफेक्ट। अगर इसके बारे में बात करें तो दुनिया में जो भी सक्सेसफुल लोग हुए हैं उनके लक्ष्य बहुत बड़े रहे हैं, उन्होंने हमेशा जो है वो ऊंचाइयों की तरफ देखा है, लेकिन याद रहे उनके जो एक्ट होते हैं वो बहुत माइनर एक्ट होते हैं, वो बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म काम करते हैं, वो सूक्ष्म से सूक्ष्म डिटेल इकट्ठा करते हैं, बहुत ही माइक्रो लेवल पर जाकर काम करते हैं। यानी उनकी जो लक्ष्य होते हैं, उनके जो गोल्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, और उनकी च्वाइसेस जो होती हैं वो बहुत स्मॉल होती हैं, बहुत छोटी होती हैं, और ये डेली के डेली छोटे छोटे परिवर्तन करके अपनी लाइफ में बहुत अधिक चेंजेस ला सकते हैं। आप में से कौन ऐसा होगा जो सुबह जल्दी नहीं उठना चाहता होगा, जो ज्यादा घंटे पढ़ाई नहीं करना चाहता होगा, जो साल भर में ज्यादा से ज्यादा बुक्स नहीं खत्म करना चाहता होगा, अपने आप को टॉपर के रूप में परिवर्तित नहीं करना चाहता होगा। सब ये चाहते हैं अपने नौकरी में, अपने करियर में सक्सेस चाहते हैं, लेकिन सोच के देखा कि इस चाहत को आप एक्चुअलिटी में क्यों नहीं कन्वर्ट कर पा रहे हो, क्यों उसको जो है वास्तविकता में नहीं बदल पा रहे हो। तो चलिए आज हम बात करते हैं कि कौन से लोग जो होते हैं वो लाइन के इस पार रह जाते हैं, और कौन से लोग जो हैं वो छोटे छोटे चेंजेस करके हमारे आपके बीच से ही अपनी सफलता की कहानी को लिख बैठते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये जो सफल लोग होते हैं वो लक्ष्य तो बड़ा रखते हैं लेकिन चॉइसेस बहुत छोटी रखते हैं। कैसी छोटी चॉइसेस हैं? आपके सामने एक टास्क है कि एक साल बाद आपको यूपीएससी का एग्जाम देना है, फलाना आपको कॉम्पिटिशन क्रैक करना है, या नौकरी में इस स्तर पर पहुंचना है। एक होगा कि आप उसको बड़े लक्ष्य के रूप में देखते रहेंगे, और आपको एक बुक दिखाई पड़ेगी, अरे मेरे को ये हिस्ट्री की इतनी मोटी बुक खत्म करनी है, मेरे को ये करना है, मेरे को इतना काम करना है, मेरे को 15 घंटे पढ़ना है, किसी ने बोला यूपीएससी के लिए। तो मुझे एक बहुत बड़ा, एक मैंने बहुत बड़ा क्या किया, टास्क अपने सामने रख लिया। जो सक्सेसफुल स्टूडेंट होता है या जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो जरा उल्टा काम करते हैं, जैसे उनकी चॉइसेस बहुत स्मॉल होती हैं, बहुत छोटी छोटी। एक एग्जैक्टली बात करें, जैसे कि मैं रोज सोने से पहले 5 पन्ने पढ़ूंगा, ठीक है, एक मोटिवेशनल बुक, या मैं जो है वो डेली के डेली अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए आधा घंटा मेडिटेशन करूंगा, या आधा घंटा मैं वॉक करूंगा, ये 15 मिनट, आधा घंटा, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इट्स वेरी स्मॉल, ठीक है। वहीं एक दूसरा जो व्यक्ति होगा वो क्या करेगा, अरे नहीं, मैं तो पूरी बुक 4 दिन में खत्म कर दूंगा, मैं जिम जाऊंगा और 1 महीने 4-4 घंटे एक्सरसाइज करूंगा। एक दूसरा व्यक्ति कहता है, अरे नहीं, मैं बहुत बड़ा जो है ये कुछ परिवर्तन करके दिखा दूंगा। तो ये 2 व्यक्ति हैं, एक एक्स और एक वाई, ठीक है। एक्स और वाई दोनों अपने काम की शुरुआत करते हैं। एक्स जिसने छोटे छोटे चंक्स में अपने पूरे काम को, टास्क को बांट लिया है, 5 पन्ना रोज, आधा घंटा रोज एक्सरसाइज, प्राणायाम, मेडिटेशन, थोड़ा सा अपने आप को इंप्रूवमेंट करने के लिए फलाना बुक, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना उसने शुरू कर दिया। दूसरे वाले ने बहुत बड़ा टास्क ले लिया, और जैसे बहुत बड़ा टास्क लिया उसके ऊपर प्रेशर आना शुरू हुआ, तो शुरुआत में तो उसने करने की कोशिश की लेकिन धीरे धीरे घबरा गया। अब यहां 3 चीजें हैं, आपकी चॉइसेस क्या है, आपकी हैबिट्स क्या है, और आपकी रेगुलरिटी क्या है। ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अब जो स्टूडेंट सक्सेसफुल होना चाहता है या जो सक्सेस होते हैं, अब वो पर डे 5-5 पेज पढ़ता रहा, धीरे धीरे उसके जो है वो आपने देखा कि 150 पेज 1 महीने में उसने पढ़ लिया, साल भर में उसने जो है कई बुक्स खत्म करनी शुरू कर दी। दूसरा व्यक्ति जो था जिसने बहुत बड़ा एक टास्क बनाया था, वो धीरे धीरे डाउनग्रेड होना शुरू हुआ। ध्यान रहे, अगर आप वाकई में कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको कम से कम 31 वीक्स अपनी इस हैबिट को कंटिन्यूटी में लाना पड़ेगा। 31 वीक्स, यहां तक आपको कोई चेंज नहीं दिखाई पड़ेगा, कुछ भी आपको परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ेगा। जो सफल होते हैं वो और जो असफल होते हैं वो, ये दोनों 31 वीक्स तक, इन दोनों का जो ग्राफ है वो लगभग सेम चलता रहेगा। बाहरी व्यक्ति जो देखेगा वो कहेगा, अरे ये तो बिल्कुल कोई चेंज नहीं है, लेकिन आफ्टर 31 वीक, 31 हफ्तों के बाद अचानक से जिसने अपनी लाइफ में छोटे छोटे चॉइसेस की थी, छोटे छोटे चेंजेस किए थे, सडनली उसका ग्राफ जो है वो राइज करता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ जाता है। और जिसने कोई चेंज नहीं किया था, सडनली वो क्या होता है, बहुत तेजी से डाउनफॉल होता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो है वो गैप आ जाता है। इसी गैप को हम लोग सक्सेस गैप कहते हैं, ठीक है। वो व्यक्ति जिसने छोटी छोटी चॉइसेस की थी, मुझे आधा घंटा ज्यादा पढ़ना है, मुझे 4 पन्ने ज्यादा पढ़ने हैं, छोटे छोटे स्टेप में चलता रहा, 31 वीक तक उसने कंटिन्यूअसली जो है इस प्रोसेस को फॉलो किया, और अचानक से उसकी लाइफ में
बहुत जबरदस्त चेंज आया 31 वीक तक। लेकिन ध्यान रहे, यहां आपको मैं एक चेतावनी दे रहा हूं, एक वार्निंग दे रहा हूं। इस वार्निंग को बोलते हैं माइक्रोवेव मेंटेलिटी। बहुत ध्यान से सुनना इसको, क्योंकि इतने बच्चों से मैं जुड़ा हुआ हूं, इतना जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, फेसबुक पे मैसेज आते हैं, वो क्विक हर चीज चाहते हैं। 2 मिनट की मैगी, ठीक है, माइक्रोवेव में अंडा उबाल दिया, तुरंत खाना गर्म हो गया माइक्रोवेव में। तो वो यूपीएससी जैसे सीरियस करियर को भी बहुत इजीली लेना चाहते हैं कि कोई ऐसा जादू, कोई ऐसा नोट्स, कोई ऐसा सिंपल सा स्टेप मिल जाए और मैं क्या करूं, खटाक से आईएएस बन जाऊं, 2 महीने में आईएएस बन जाऊं, उतरूं और मुखर्जी नगर में 4 किताबें खरीदूं, दिमाग के अंदर डालूं और आईएएस बन जाऊं। इसको बोलते हैं माइक्रोवेव मेंटेलिटी। और आज के समय का जो यूथ है बहुत बड़ी संख्या में वो इसी माइक्रोवेव मेंटेलिटी का शिकार है। अगर आप इस वे में जा रहे हैं तो यकीन मानिए आप का जो ग्राफ है वो एग्जैक्टली डाउनग्रेड होगा, क्योंकि दुनिया में जो भी लोग सफल हुए हैं वो एक लंबी प्रक्रिया, एक लंबे अनुशासन, डिसिप्लिन के बाद सफल हुए हैं। मैं आपको उसैन बोल्ट का एग्जांपल देता हूं, दुनिया का सबसे तेज धावक, जिसके बारे में बहुत सी कहानियां हैं, बहुत सी किंवदंतियां हैं, माना जाता है कि चीते से भी ज्यादा इसकी शक्ति है। आप जानते हैं इसने अपनी पूरी लाइफ में केवल 14.5 मिनट ओलंपिक में दौड़ हासिल की, केवल 14.5 मिनट दौड़ा है, 14.5 मिनट पूरी लाइफ में ओलंपिक में। लेकिन इस 14.5 मिनट की दौड़ के लिए 15 साल उसने प्रैक्टिस की, 15 ईयर्स कॉन्टिन्यूसली वही मेहनत रात और दिन, जब उसके कंपटीटर सो रहे होते हैं, जब इसका शरीर टूट रहा होता है, जब थक रहा होता है, तो भी उसे बोल्ट प्रैक्टिस में रहता था। 15 साल की कड़ी मेहनत के बाद पूरी लाइफ की इसकी जो दौड़ है ओलंपिक में, वो केवल 14.5 मिनट है दोस्तों। तो ये जो पूरी दुनिया है वो उसकी प्रैक्टिस के लिए नहीं, उस अचीवमेंट के लिए जानती है जो 14.5 मिनट में उसको हासिल किया उसने। पूरी दुनिया इसका जो है वो इसका लोहा मानती है, इसको जो है वो एक लिविंग आइकॉन के रूप में जाना जाता है। तो अगर आपको भी सक्सेस होना है, आपको भी आगे जाना है, तो आपको उसके पीछे की एक बहुत लंबी कहानी आपको बुननी पड़ती है। अक्सर ये जो फैंटेसीज आप सुनते हैं, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉप कर गया, उसने ये किया, उसने वो कर दिया, वो तो 6 महीने पढ़ाई की उसने जो है और ये कर दिया, आपको ये नहीं पता कि उसके पीछे की कितनी लंबी उसकी सेक्रीफाइस है, कितनी लंबी उसकी तैयारी है। जब आपको यूपीएससी के बारे में पता भी नहीं था, तब से उसने जो है अपने आप के अपने सपनों को बुनना शुरू कर दिया था। वो ये चीजें जो होती हैं वो लाइफ में बहुत चेंजिंग फैक्टर लेकर आती हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आती हैं। और जितने भी टॉपर से मैं मिला हूं, जितने भी मैं सक्सेसफुल लोगों से मिला हूं, उनकी सक्सेस के पीछे बहुत ही पेनफुल कहानी होती है, बहुत पेनफुल कहानी। वो भी टूटते हैं, वो भी एकांत का शिकार होते हैं, वो भी लोनलीनेस होते हैं, वो भी फेल होते हैं। लेकिन उनमें और असफल लोगों में सिर्फ एक अंतर होता है, उनका जो जिगर होता है वो लोहे का बना होता है, उनकी जो एस्पिरेशंस होती हैं बहुत टफ होती हैं, वो बार बार गिरते हैं, बार बार टूटते हैं, बार बार हारते हैं, लेकिन फिर से अपने आप को समेटकर आगे चल देते हैं। तो जो व्यक्ति लगातार चलता रहेगा, जो अपने सपनों के लिए लगातार लड़ेगा, उसको कोई हरा नहीं सकता। इसको बोलते हैं कंपाउंड इफेक्ट। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेगमेंट। अगर आप कंपाउंड इफेक्ट में चलेंगे, अगर आप अपने सपनों को लेकर चलेंगे, आपको तत्काल बड़े सपने होंगे, तत्काल रिजल्ट नहीं मिलेंगे, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। लेकिन आप अगर परसिस्टेंस है, आप लगातार चल रहे हैं, आपके अंदर जुनून है चलने का कि कुछ भी हो जाए मैं रुकूंगा नहीं, एक समय आएगा सडनली आपकी लाइफ में इतना बड़ा चेंज आ जाएगा, इतना बड़ा चेंज आ जाएगा आफ्टर 31 वीक कि आपके लिए बुक्स पढ़ना, आपके लिए सक्सेस प्राप्त करना बहुत आसान है। सो दोस्तों याद रखिएगा, अगर आप अपनी लाइफ में कोई भी चेंज लेकर आना चाहते हैं, ये रातों रात नहीं होते, रातों रात सिर्फ चमत्कार होते हैं। और चमत्कारों को अगर आप धार्मिक सीरियलों में रहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप वाकई में कुछ चेंज करना चाहते हैं वास्तविकता में, तो अपना एक छोटा छोटा गोल बनाइए और उस पर अडिग रहिए, उस पर लड़ जाइए, क्योंकि जिंदगी आपकी है, सपने आपके हैं, तो कीमत भी आपकी है। तो उन सपनों पर लड़ जाइए, छोटे छोटे चेंज करिए, अपने आप को अचानक से महामानव मत बनाइए, क्योंकि आप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे उस दबाव में। छोटे छोटे चेंजेस करिए, दूरगामी एक लक्ष्य बनाइए कि मैं यहां से शुरू करूंगा, एक एक स्टेप चलता जाऊंगा, और बहुत धैर्य से, बहुत धैर्य से लगे रहिए कि कम से कम 31 वीक तक जो है मुझे इसके साथ जाना है, और 31 वीक के बाद मुझे अपनी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिलेगा, और डेफिनेटली वो चेंज आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, इस समय जो पूरा माहौल है पूरी दुनिया में, पूरे हमारे आसपास, वो माइक्रोवेव मेंटेलिटी का, वो क्विक फास्ट फूड की तरह है। ये फास्ट फूड आपको बर्बाद कर देगा, जैसे फास्ट फूड जंक फूड जो होता है वो शरीर को बर्बाद कर देता है, उसी तरह ये जो मेंटेलिटी है माइक्रोवेव मेंटेलिटी, ये आपको खत्म कर देगी। क्योंकि बड़ी चीजों के लिए कीमत बड़ी होती है। अगर कोई महान निर्माण हुआ है तो उस महान निर्माण को होने में कई कई साल लग जाते हैं, लेकिन जब वो निर्माण पूरा होता है तो दुनिया उसकी जो विजय गाथा है, जो उसकी गरिमा है, उसको पूरे
शताब्दियों तक जो है उसको रखा जाता है। ताजमहल कोई एक रात में नहीं बना, राइट, इसको बनने में बहुत समय लगा, लेकिन आज अपने बनने के वो कई सौ सालों बाद भी वो पूरी दुनिया में जो है वो आश्चर्य माना जाता है, पूरी दुनिया को जो है वो आकर्षित करता है। तो अगर आपको भी अपना करियर बड़े पैमाने पर लेकर जाना है, अगर अपने करियर में अपनी पूरी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज लेकर आना है, तो आपके पैर नहीं रुकने चाहिए, आपका जो ग्राफ होना चाहिए वो ऊपर की तरफ जाना चाहिए। और अगर आप इस मेथड में आप जाते हैं, डेली अपने आप को जज करते हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और ओजंग का, इस एकेडमी का यही पर्पज है कि आपकी लाइफ में सकारात्मक परिवर्तन आना चाहिए। आप जिन सपनों के लिए जा रहे हैं उनको देखने के साथ साथ उन्हें कैसे पाना है ये बताना हमारा काम है, क्योंकि सिर्फ कह देने भर से अगर सपने मिल जाते तो सपनों को बेचने वालों की कोई कमी नहीं है। लेकिन सवाल है कि वो रास्ता क्या है, वो तरीका क्या है, वो मेथड्स क्या है कि उन सपनों पर आप पहुंचोगे। और मैं आपको उन फैंटेसी से बचाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि वो चीजें आप करें जो आपकी वास्तविक, आपकी जिंदगी में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आए, रियल चेंज लेकर आए। तो इसको आजमाकर देखिए, आज से अपने पूरे दिनचर्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटिए और उनको डेली के डेली अचीव करिए, सफलता आपकी होगी। और जब भी माइक्रोवेव मेंटेलिटी आपके आसपास आए उसको अवॉइड करने की कोशिश करिए, क्योंकि वो ट्रैप है, एक जाल है जिसमें आप अगर फंस गए तो आप घूमते रह जाएंगे और अंत में आपका जो है वो पतन निश्चित है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में लिखकर। और अगर आप, ये जो मंच है हमारा यूट्यूब का, ये एक ऐसा मंच है जहां पर हम और आप एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, आपकी जो परेशानियां हैं आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं, जिसके सॉल्यूशन मैं आपको अवश्य पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों, आज से आप अपने कंपाउंड इफेक्ट पे काम करना शुरू करिए, ये बहुत तेजी से आगे बढ़ता है, अपने रिजल्ट को बहुत अच्छे से देता है, और माइक्रोवेव मेंटेलिटी से बचने की पूरी कोशिश करिए। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि किसी भी तरह के जो नए वीडियो हैं वो आप तक पहुंचते रहें। अपने इस दोस्त को विदा दीजिए, आपकी किसी भी अन्य समस्या के समाधान के साथ जल्दी ही मैं मिलूंगा। धन्यवाद।